आगरा उत्तर प्रदेश राज्य का एक शहर है। विश्व का अजूबा, ताजमहल, आगरा का किला तथा स्वामी बाग आगरा की पहचान है और ये यमुना नदी के किनारे बसा है। ये उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। आज हम जानेंगे इस वीडियो में आगरा में घूमने की 10 बेहतरीन जगहों के बारे में। नंबर 10, सिरोज हैंगआउट। सिरोज हैंगआउट एक अनोखी पहल है एसिड अटैक से पीड़ितों को समाज से पुनः जोड़ने की और वो सम्मान वापस दिलाने की जिसके वह हकदार हैं। खाने पीने के साथ उनका मनोबल बढ़ाने का ये कदम स्टॉप एसिड संस्था ने रखा है। अगर आप घूमने फिरने के साथ समाज में बदलाव चाहते हैं तो आपका यहाँ जाना तो बनता है। नंबर 9, सुर सरोवर पक्षी विहार। आगरा से 30 किलोमीटर दूर दिल्ली आगरा हाईवे पर बना हुआ है सुर सरोवर पक्षी विहार, जो कि पक्षी प्रेमियों के लिए अच्छी जगह है। इदम झील के पास बने इस पक्षी विहार में तरह तरह की बतख, सारस, बगुला और अन्य खूबसूरत पक्षी देखे जा सकते हैं। नवंबर से मार्च पक्षियों को निहारने का सबसे अच्छा समय है। नंबर 8, अकबर का मकबरा। आगरा के सिकंदरा इलाके में एक और दर्शन योग्य स्थान है। ये स्थान है अकबर का मकबरा। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर को दफन किया गया है। इस स्मारक की नींव खुद अकबर ने रखी थी, जिसे उसके बेटे जहांगीर ने पूरा कराया। ये इमारत 5 मंजिला है और मुख्यतः लाल पत्थर से इसको बनवाया गया है। नंबर 7, मरियम का मकबरा। मरियम का मकबरा मुगल सम्राट अकबर की पत्नी रानी मरियम की समाधि है। इस समाधि का निर्माण मरियम के बेटे जहांगीर ने अपनी मां की याद में करवाया था। इस स्मारक की दीवारों पर बनी हुई खूबसूरत आकृतियां यहां बीते जमाने की शानो शौकत की याद दिलाती हैं। ये मकबरा आगरा के उपनगर सिकंदरा में मौजूद है। नंबर 6, फतेहपुर सीकरी आगरा से कुछ दूरी पर मौजूद है एक छोटा सा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण शहर, जिसका नाम है फतेहपुर सीकरी। मुगलों द्वारा बसाए गए इस शहर का आकर्षण मजबूती से निडर खड़ा हुआ गगनचुंबी बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद, सलीम चिश्ती का मकबरा और जोधाबाई का महल आदि काफ़ी पर्यटन स्थल हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। ये प्रक्रिया है एकदम निशुल्क, जिससे आपको वीडियो मिल सकेंगे हमारे सबसे पहले। नंबर 5, मेहताब बाग। ताजमहल के उत्तर में यमुना पार बना हुआ है एक सुंदर बगीचा, जिसका नाम है मेहताब बाग। 90,000 वर्ग मीटर के विशाल क्षेत्र में फैले हुए इस हरे भरे बाग से ताजमहल का एक ऐसा अनोखा रूप देखने को मिलता है जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। इस बाग का निर्माण मुगल शासक बाबर के निर्देशों पर करवाया गया था। नंबर 4, इत्मत उद्दौला का मकबरा। जहांगीर के शासन में मिर्जा गियास बेस मुख्य खजांची थे। जहांगीर ने मिर्जा गियास बेस के सम्मान में उनको इत्मत उद्दौला के खिताब से नवाजा था, जिसका अर्थ होता है राज्य का स्तंभ। कहते हैं गहनों का डिब्बा और छोटा ताज नाम से जाने जाने वाला इत्मत उद्दौला का मकबरा विश्व प्रसिद्ध ताजमहल की पहली प्रेरणा थी। नंबर 3, जामा मस्जिद। आगरा के किले के सामने बनी हुई है विशाल जामा मस्जिद, जो देश की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। अपने सुंदर निर्माण के लिए जाने जाने वाली इस मस्जिद को लोगों के लिए शाहजहां ने 1648 में खोला था। पारसी और कुरान के अभिलेख इस मस्जिद की शोभा और बढ़ाते हैं। लाल पत्थर और संगमरमर इस मस्जिद की शान में 4 चांद लगाते हैं। नंबर 2, आगरा का किला। लाल किला नाम से पुकारा जाने वाला आगरा का किला एक महाकाय दुर्ग है, जिसमें बीते दौर में एक पूरा शहर बसता था। 1573 में अकबर द्वारा बनवाया गया ये लाल किला 1638 तक मुगलों का गढ़ था, जिसके बाद मुगलों ने आगरा से नई दिल्ली राजधानी को तब्दील कर दिया था। अपने महत्वपूर्ण इतिहास की वजह से इस किले को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में चुना गया है। इस महल में मोटी मस्जिद, सीख महल, अंगूरी बाग, जहांगीर महल, दीवाने आम
दीवाने खास आदि कई देखने योग्य जगह हैं। नंबर एक, ताजमहल। और पहले नंबर पर आता है ताजमहल। ये इतना प्रसिद्ध है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत माना जाता है। दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल को प्यार का प्रतीक कहा जाता है। 60 बीघा क्षेत्र में फैले ताजमहल की सुंदरता अद्वितीय है। ताजमहल मुगल वास्तुकाल की एक उत्कृष्ट मिसाल है। इसकी वजह से इसको भी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में चुना गया है। इस महल को शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज की याद में बनवाया था। ताजमहल के निर्माण में इस्तेमाल किया जाने वाला सामान श्रीलंका, अफगानिस्तान, तिब्बत, चीन आदि कई देशों से लाया गया था। ऐसा माना जाता है कि निर्माण की सामग्री को ढोने के लिए 1000 हाथी प्रयोग में लाए गए थे। आप आगरा के बाजारों से ताजमहल के संगमरमर से बने नमूने यादगार के तौर पर खरीद सकते हैं। दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।